वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ कई दिनों बाद एक प्यारा सा व्लॉग लेके। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी हम जा रहे हैं कहीं, वो आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलते हैं। बताए नहीं कि हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। ये मेरी बहन, इसको आप जानते ही होंगे, और ये है मम्मी। हेलो कर दो साहब। हेलो। तो हाँ, इसको तो मैंने बताया नहीं गाइस, ये है वैष्णवी। हम मतलब इसी के ही गांव जा रहे हैं, इसके नानी कोट जा रहे हैं। और ये है किरण की दोस्त, ये दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं और ये हमारे पड़ोसी भी हैं। दोस्तों हमारे और साथी, आंटी हाय करो, अंकल हाय करो, हाय। और ये है हमारी छोटी सी साथी, हाय कर रहे हो। दोस्तों ये है प्यारा सा गांव साल्ट, और अभी हम आए यहाँ मेले में। जगन्नाथ टेम्प मंदिर है यहाँ पे, एक वहाँ पे मेला लगता है, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी जा रहे हैं माता के मंदिर ऊपर। सो दोस्तों ये है माँ दुर्गा का मंदिर, जो साल्ट गांव में स्थित है, जो उत्तरकाशी से थोड़ी दूरी पर है। और ये है माँ दुर्गा की डोली, जिसे बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। और यहाँ की सारी महिलाएं अपने पहनावे में आई है, जो हमारा पहाड़ी पहनावा है। और एक सुंदर सा नृत्य, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस नृत्य है, जिसको बोलते हैं रासो। तो कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, यहाँ रासो लगता ही लगता है। और यहाँ महिला इसी पहनावे में यह रासो करती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ये यहाँ की। और फिर ये सारे गांव वाले अभी मंदिर में आए हैं, माता के मंदिर में। फिर माता की डोली लेके जाएंगे नीचे जगन्नाथ मंदिर में, फिर जाके वहाँ मेला शुरू होगा। तो दिखाते हैं आपको आगे आगे, बने रहिए एंटर किस व्लॉग में। सो दोस्तों मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं माता के, अब हम नीचे जा रहे हैं वैष्णवी की नानी के यहाँ। और फिर हम जाएंगे जहाँ पे मेला लग रहा है, इसकी दादी के यहाँ, इसकी दादी है। और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे मेला लग रहा है, जगन्नाथ टेम्पल पे जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। ओह माय गॉड, मैं तो रड़ गई थी, देख रही हूँ गाइस, मैं तो फिस गई। गाइस हम मंदिर से आ चुके हैं नीचे, अब जा रहे हैं हम नीचे गांव की तरफ। हाय गाइस, मैं तो फिसल गई, मैं तो फिसल गई थी गाइस। गाइस ये हर गांव में होता है, इसको बोलते हैं हम जौ, इसको चावल बनता है। और ये दोस्तों, ये इसको गेहूं बोल रहे थे, इन्होंने बताया इन्होंने जौ, हाँ इट्स कॉल्ड जौ, इसका वो बनता है। बट आटा तो क्या बनता है इसका? आटा, बस आटा तो बनता है ना, इसलिए मैंने सोचा गेहूं हो गया। अभी हम जा रहे हैं आंटी के घर, अभी हम जा रहे हैं आंटी के मायके, तो दिखाते हैं आपको आंटी का घर। गाइस मैं और बुआ जा रहे हैं अभी, हमारे ओह मैं तो भूल गई थी, इसकी दादी का घर है ये। दोस्तों ये है आंटी का मायका, जैसे उनके नाना का घर, उसकी दादी का घर। हम थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, फिर जाएंगे हम जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ पे मेला है। थैंक यू वैष्णवी। ये देखो गाइस, इनको देखो, लोगों के गेहूं के बीच में फसल खराब करने फोटो खींचने चले गए। क्या हमारा गेहूं तोड़े क्यों ना? तो वैष्णवी ये नानी कर रही है हमारी खातिरदारी, सवाले अचार और पापड़ के साथ, और ये सब बैठ रखे हम, और वहाँ से अंकल देख रहे हैं। ये देखो गाइस, सामने दिख रहा है जगन्नाथ मंदिर, यहाँ हमने अभी जाना है।
के आओ जी। कैसे योगेश कैसे ये सब लोग गाइस पागल हो गए हैं क्या कहूँ बार इमी 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 दोस्तों हम नानी जी के घर से निकल रहे हैं मंदिर के लिए, मंदिर वो सामने है तो चलते हैं। अब डोलिया वगैरह आ गई है वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। देखो गाइस सीधा धक्का। देखो गाइस मुझे ये ना क्या है, इनको जौ एक मटर जौ को देना है। हाँ इनकी चिल्के। खेती बहुत अच्छी है। छिलके ले मतलब फोटोज मस्त आते हैं। चलो चलते हैं, चलो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ का मंदिर तुम आज बैठे थे तो भाई हमारे साथ ही तुम आज बैठे। दोस्तों आप देख सकते हैं यह मेले को देखने के लिए जगह जगह से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। दूर दूर से लोग आते हैं देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए और देवी देवताएं अपने बहुत ही सुंदर दर्शन देते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मेले में बहुत सारी दुकानें भी लगी थी, चाउमीन जलेबी पकौड़ी और बहुत सी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह की दुकानें लगी थी। बहुत भयंकर होता है उत्तरकाशी साइड, तो आधा बहुत के पूरा ही सीख लिया था हमने। आ गए हैवी चाउमीन और जलेबी और हमने भी इतनी सारी चीजें पैक करके अब हम घर में खाएंगे।
आइसक्रीम पार्टी, आइसक्रीम पार्टी। दोस्तों ये है मेरी पांचवी या छठवी आइसक्रीम, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बचपन में स्कूल जाती थी तो मैं यही खाती थी। गाइस ये हमारा आगे ठेला ही। सो दोस्तों ये व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।